राधा स्वामी, बड़ा प्यारा शब्द मैंने पहली दफा सुना ये। मैं इसको गुनगुनाता था कभी कभी कि दुनिया से ना कुछ लेना ना देना, अपने आप में मगन रहना। और कह दिया कबीर साहब ने कि तेरा पिया कहाँ है, तेरे घट में है। तेरा पिया कहाँ है, तेरे घट में है। हम उस पिया को तो देखते ही नहीं है। कि पिया किसको कहते हैं? मालिक को। पिया कौन है? मालिक। किसका? किसका मालिक? तुम्हारे शरीर का मालिक, तुम्हारे मन का मालिक, तुम्हारी आत्मा का मालिक, तीनों का मालिक वो है। और उसकी हम परवाह नहीं करते कि वो क्या है क्या नहीं है। और हम बाहर मुखी होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए उनको कहा है कि क्या करना? गुरु के चरण से लिपट रहना। अब सवाल ये पैदा हो गया कि दुनिया गुरु के चरण को क्या समझती है कि जो सामने गुरु बैठा उसके चरण से लिपटे रहना, पल्ले पैर जाके महाराज मैं तो तुहाडे चरणा च आ गया। वो नहीं है, वो दिखावा है। या दूसरे शब्दों में कहूँ वो सभ्यता है कि आपसे कोई बड़ा आदमी उम्र में बड़ा है, विद्या में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, तुम्हें ज्ञान देता है, उसकी सम्मान करना या उसको सिर झुकाना कोई बुरी बात नहीं, वो हमारी सभ्यता है। लेकिन असली गुरु के जो चरण हैं वो आप लोगों के अंदर हैं, वो तुम्हारे अपने, क्योंकि गुरु तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा पिया तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे अंदर है। गुरुवाणी पढ़ के देखो, वो बार बार यही संदेश देते हैं गुरु महाराज कि वो तुम्हारे अपने अंदर है। महापुरुषों की वाणी पढ़ के देखो, वो भी यही कहते हैं कि वो तुम्हारे अंदर है। मैं संस्कृत नहीं जानता, ना मैं शास्त्र कोई पढ़े, वहाँ क्या लिखा है मुझे पता नहीं। वहाँ मैं ये जरूर कहूँगा कि वहाँ किसी धर्म का कोई भी लेखा नहीं है। मुझे एक बात याद आई, जब मैंने मकान अपना पहला बनाना था तो एक हमारी संस्कृति है कि पृथ्वी माता की पूजा की जाती है, क्योंकि जहाँ हमने रहना है, जिस पृथ्वी के चरणों में हमने अपना जीवन गुजारना है, तो उसकी पूजा की जाती है और उसके बाद फिर मकान बनाया जाता है। तो मैंने एक पंडित बड़े अच्छे, उनको मैं जानता था, मैं कहा पंडित जी मैंने मकान बनाना है और 5:30 सुबह का मुहूर्त है और मई का महीना था। वो कहता जी बहुत अच्छा, 5:00 दिन चढ़ा होता मई में। तो मैं उसको लाया, पानी का घड़ा रखा, नी खोद कर, बुनियाद खोद कर उसके ऊपर कुछ पैसे डाले, फिर उसके ऊपर नारियल रखा, फिर उसके ऊपर कुछ और किया उसने डाल कर, फिर उसने जो मंत्र पढ़े उसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं था। क्या मंत्र थे? पृथ्वी माता पहले, फिर सूर्य देवता, फिर जल देवता, फिर वायु देवता, फिर आकाश देवता, फिर आकाश देवता के जितने सितारे हैं, सितारे उनके नाम उसने लिए, फिर उसने वृक्षों के नाम लिए, कौन कौन से वृक्ष हैं जो हमारे जीवन दान देते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं बड़ा खुश हुआ कि पंडित जी ने सबसे पहले जो प्रकृति की ताकतें उनको याद किया। तो अगर दुनिया में कोई चीज़ है जो नज़र आती है वो प्रकृति है, कुदरत है। कुदरत, कुदरत में क्या? धरती माता है, जल देवता है, वायु देवता है, सूर्य देवता है, आकाश देवता है, यही नजर आते हैं। इसलिए ये 5 देवता हैं जिनको मानना। और फिर गुरबाणी क्या कहती है? गुरबाणी ने तो क्लियर कर दिया, बलहारी कुदरत बस्या। वो कहाँ बसता है? बलहारी, उस ताकत के प्रति मैं अपना बल हारता हूँ, मैं कुर्बान जाता हूँ। किसके? जो कुदरत में बसा हुआ है, जो कुदरत में बसा हुआ है। कुदरत में हम भी आ जाते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं, जीव जंतु भी आ जाते हैं, जड़ी बूटियां भी आ जाती, सब आते हैं ना। बलहारी कुदरत बसया, तेरा अंत न जाए लखया। तुसी कुदरत का अंत पाओ तो तुम्हें मिलना कितने? नहीं मिलेगा। संतों ने लिख दिया
कि वो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। और वो वहाँ जहाँ गया वो वहीं रह गया, वो क्या बताएगा कि वहाँ क्या है, क्या कहा मैंने। इसलिए आज मैं आपके सामने, देखो हम कलयुगी इंसान हैं, मैं ध्यान करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ कि सतयुग में कोई भगवान को नहीं मानता था, सतयुग में कोई भगवान नहीं था। हजूर बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि बच्चा माँ की गोद में जब तक वो बोलने नहीं लगता, क्या वो किसी भगवान की पूजा करता है? नहीं करता। क्या वो राम राम करता है या वो वाहेगुरु करता है? कुछ नहीं करता। वो केवल क्या मांगता है? खाने को मांगता है, भोजन, मांस के दूध मांगता है, गुड़सिद्ध मांगता है कि मेरे मुंह में कुछ डालो। यही है ना पहली प्राइमरी चीज। सबसे प्राइमरी चीज दुनिया में अगर कोई है तो वो अपने लिए भोजन को पैदा करना है। पेट न पियां रोटियां ते सबे गल्ला खोटियां। वो भूखे भक्त न कीजिए ले माला अपने लीजिए, ये भी कह दिया संतों ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐ नौजवान बच्चों, तुम पहले अपने पांव पर खड़े हो जाओ, पहले अपने कमाई खुद करो, बढ़ो, तरक्की करो, जितनी कर सकते करो, तुम्हारे लिए कोई राम नाम नहीं है। ये मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने कहा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, त्रेता युग आया। त्रेता युग में कोई शस्त्र नहीं थे, तीर कमान थे, उन्हीं से युद्ध हुए ना, तीरों से युद्ध हुए ना राम ने। और जो हमारा रावण था वो जंतर मंतर तंत्र जानता था, चारों वेदों का जानता था, वो शुद्ध भी जाता था, वो सब कुछ कर जानना जानता था, राम को नहीं पता था। बात मेरी समझ गया। फिर द्वापर युग आया, उसमें घोड़े पकड़ लिए गए, आदमी ने घोड़े पा लिए, हाथी पकड़ लिए, फिर उनके ऊपर युद्ध हुआ, फिर रथ बना लिए, तरक्की हुई ना, फिर तरक्की हो गई, थोड़ा और बढ़ गए हम, जानवरों को पकड़ा, कंट्रोल कर लिया, गायों को पकड़ा, ये सब जंगली जानवर हैं, घोड़े भी जंगली जानवर हैं, उनको हमने पकड़ कर सिधा लिया, हाथी भी जंगली है, उनको भी पकड़ लिया हमने, अब तो लोगों ने शेर भी पाले हुए हैं, क्या कहा मैंने। लेकिन अब कलयुग है, अब कलयुग में कला का दुनिया है, कला, हर चीज़ जल्दी होती है, हर चीज़ जल्दी होती है, पहले महीनों लग जाते थे दूसरे देश में जाने के लिए, अब बैठो और सुबह अमेरिका पहुंच जाओ। कितनी तेज़ हवा, कितना तेज़ हमारा जीवन हो गया है, हर चीज़ जल्दी हो रही है। तो इस जल्दी ने क्या किया कि जो द्वापर में हमारा मन था, जो त्रेता में हमारा मन था, जो हमारा सतयुग में मन था, वो बहुत शांत था, बहुत आनंद में था, भोजन तक सीमित था, जहाँ जो लड़ने में चले गए वहाँ था। तो वहाँ उस वक्त के शास्त्रियों ने क्या कहा, तो केवल तीन देवता हैं, केवल उस वक्त के जो हमारे धार्मिक नेता होंगे, जा कोई महापुरुष होंगे, गुरु नहीं थे। गुरु तो अब आए हमारे कलयुग में, अवतार लिया संतों ने कलयुग में, तब ऋषि थे। उन्होंने कहा पे तीन देवियां हैं, जैसा तुम जीवन व्यतीत करना चाहते हो उनकी पूजा करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, युद्ध लड़ना है तो दुर्गा की पूजा करो, बना दिए तीन इष्ट बना दिए, और अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सरस्वती की पूजा करो। बस ये तीन थे, ये बाकी जितने भी देवी देवता पे, ये कलयुग की उत्पत्ति है, कलयुग ने किया है इसको तैयार, ये सिर्फ थे। आज क्योंकि कलयुग है, यहाँ साहित्य की है, वहाँ धर्म ने भी बहुत कुछ किया, और हमारा जो अशांत मन था, जो हमारा मन बहुत अशांत हो गया, विचलित हो गया, किसी आदमी को पूछो कि तेरे मन की क्या हालत है, बेचैन, सब बेचैन। मैं तो कहता हूँ संतों को भी चैन नहीं है, आज के मॉडर्न जो संत हैं या गुरु, उनको भी चैन नहीं है, क्योंकि उनको अपनी डेरों की चिंता है, उनको अपने सेंटर्स की चिंता है, उनके अपने ठाठ की चिंता है,
लेकिन संतों ने क्या कहा वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ कि ऐ इंसान, तो इस कलयुग में जीने का क्या करना है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ऐसे कलयुग में जहाँ इतनी तेजी से जीवन चल रहा है, तेरा तो धैर्य खत्म हो गया, तुम्हें तो शांति नहीं रही, तू तो रोटी खाते समय भी चिंता में और काम करता हुआ भी चिंता में। मुझे एक लड़के, एक डॉक्टर का टेलीफोन आया परसों, मेरे बहुत प्रेमी बच्चे हैं वो, और मैं, वो मुझे पिता कहते हैं, कहती पिताजी, और वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, क्या नाम हो ये हमारा जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्या सुविधा, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हाँ एम्स, एम्स में वो प्रोफेसर है। वो कहती जब मैं कोई पेपर सर्च कर लिखती हूँ तो वो मेरा पेपर रिजेक्ट हो जाता है, पापा जी मैंने आशीर्वाद दो। मैं कहा अच्छा पुत्र, मेरी बात अब ध्यान से सुन लेना, तू जब पेपर लिखती है तो जब तू लिख रही होती तेरे मन में कोई और ख्याल आता है, जब तू लिखने बैठती है तुम्हें कोई ना कोई और ख्याल आ जाता है और तेरा वो कंसंट्रेशन टूट जाता है, तेरी वो जो तेरा दिमाग लगा होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए तेरे पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, बता ठीक है। उसने कहा पिता बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं जब बैठती हूँ मुझे कोई ना कोई बच्चों का ख्याल आ जाता है, या पति का ख्याल आ जाता है, या कोई और ख्याल आ जाता है, मैं उसको बंद कर, बाहर का सोचना बंद कर, जब टेबल पर बैठ गए लिखने के लिए तो तुम्हारा लिखना ऐसे है जैसे तुम मंत्रों का उच्चारण कर रही हो, जैसे कोई भक्त अपने गुरु को याद करने बैठ गया है और वो दिल से काम, अपने दिल गुरु को ध्यान में लगा हुआ है, वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो शांत रहता है, अटल रहता है, तो उसको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है। मैं ऐसे कर अब लिखना, लेकिन कोई ख्याल और तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे में धैर्य नहीं है, हम कोई कंक्लूजन पहले निकाल लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, या वो कैसे होगा, होना तो वही है जो लिखा है उसने। तो स्वामी जी महाराज ने लिखा धैर्य धरो, स्वामी जी महाराज की वाणी है, धैर्य धरो करो विश्वास। सबसे बड़ी बात जिंदगी में क्या है, वो है विश्वास। अगर विश्वास में संदेह पैदा हो गया, अगर विश्वास में एक दूसरा ख्याल कोई आ गया तो तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। धैर्य धरो करो विश्वास, सतगुरु करेंगे पूर्ण आशा। ये करके देख लो, तुम निश्चय करो, तुम मान लो कि तुम्हारा कोई है, तुमने तो किसी को बनाया ही अपना नहीं, तुम तो मन के बने हुए हो, तुम तो मन के अधीन काम कर रहे हो, मन बुद्धि के अधीन काम कर रहे हो। जो मन और बुद्धि के अधीन काम करोगे उसमें अड़चन आएगी आएगी आएगी, वो काम तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम मन और बुद्धि पर सवार होकर कोई काम करोगे तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, ये मेरा अनुभव है। अब मैं आपको कबीर साहब का एक शब्द सुनाता हूँ, उन्होंने भी हमें यही आदेश दिया, हो सकता है कबीर साहब का मन भी धैर्य खो गया होगा जब उन्होंने ये लिखा, ऐसे नहीं तजुर्बा हुआ, जो अनुभव किया वही लिखा उन्होंने, जो देखा वो लिखा उन्होंने कबीर साहब जी महाराज ने, बाहर का देखा वो लिखा, अंदर जो देखा वो भी लिख दिया, उन्होंने सब क्लियर कर दिया। और संतों ने तो जो बात कही वो तो अंदर की ही बात की है, बाहर की तो बात ही कोई नहीं की। अब कबीर साहब हमें कम सा क्या समझाते हैं, इसको समझने की कोशिश करना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कबीर साहब के वाणी को लेकर आपके सामने पेश हो जाऊं। पढ़ो। संत सतगुरु कबीर साहब भाग दूसरा उपदेश सब पहला। अरे मन धीरज काहे न धरे, कौन तुम्हें तंग करता है, मन और तो कोई चीज नहीं है ना,
और मन कब तंग करता है? जब इस कार रूपी दुनिया में समय में कोई ना कोई घटना कट जाए तो तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। हर वक्त नहीं, कोई ऐसा काम हो गया घर में, जब कोई बच्चे ने ऐसा काम कह दिया, तो समय समय के मुताबिक तुम्हारा मन जो है ये विचलित होता है। मैं अपनी बता देता हूँ, और इतना कुछ जानने के बाद हजूर बाबा फकीर जी महाराज कर्णों में बैठने के बाद कभी कभी जब मैं गुरु को भूल जाता हूँ मैं भी दर्ज खो बैठता हूँ। लेकिन शुक्र ये है कि मुझे समझ जल्दी आ जाती है, मैं उसमें बैठता नहीं हूँ, मुझे पता लग जाता है कि तू गलत जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझ जाता हूँ क्योंकि गुरु मेरे साथ है, गुरु की वाणी मेरे साथ है, वो मुझे जगा देते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि मुझे आदेश है कि तूने मन की किताब पढ़ना है। तो मन की किताब क्या है? ख्याल, और कोई नहीं है। और ख्याल कब बनता है? जब हम देखते हैं। नवा ख्याल कब बनता है? जब हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम किसी को मिलते हैं, तभी बनता है ना नया ख्याल, हर वक्त तो बनता नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब ने पहले कह दिया, ना कुछ देना ना लेना मगन रहना। वो मगन कब रहोगे? अपने मन में। लेकिन जब धैर्य खो गया तो कबीर साहब कहते हैं, अरे मन धीरज क्यों है ना धरे। फिर समझाते हैं कि क्यों धीरज कर तू? इसलिए धीरज कर के जो होना है वो होके रहेगा, और वो तेरे अपने ही कर्मों का फल है। पढ़ो। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पूरा भूले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा भूले, रति घटाए न बढ़े। अरे मन धीरज काहे न धरे। फैसला कर दिया कि मन तू धैर्य क्यों खोता है, तू धैर्य क्यों नहीं रखता, तू विश्वास क्यों नहीं करता? जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो तेरे अपने ही कर्मों का फल है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, ये तेरे अपने ही कर्मों का फल है, तुम्हें ही भोगना है। ये मान ले तब तेरा धैर्य तुम्हें आ जाएगा। अगर तू ये नहीं मानेगा तो विचलित रहेगा, दुखी रहेगा, चिंता में रहेगा, फिक्र में रहेगा। ये कबीर साहब कहते हैं। फिर बड़ी यही लाइन, शुभ और अशुभ कर्म पूरा भूले, रति घटे न बढ़े। अच्छे या बुरे, मैंने सुबह भी बोला आपको, चंगे आइयां बुरे आइयां पाचे धर्म दूर, करनी आपो अपने के नेड़े के दूर। वो सारा चाहे कब किया, जो भी कर्म हमने पहले किए हुए, हमारा जीवन जो है वो तीन चीज़ों पर निर्भर है हमारा जीवन। और कबीर साहब ने लिख दिया उसको, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व ले लेख, ये लिखा उन्होंने। देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया लेख। कबीर साहब कहते हैं, कुछ मेरे पिछले जन्म के कर्म थे, कुछ जो मैंने पहले किए या जो मैं अब कर रहा हूँ, मैंने वो सारे के सारे मिटा दिए, यानी कर्म सारे भोग लिए। ये आखिरी दफा उन्होंने लिखा, उन्होंने खुद भी लिखा, अपने किताब लिखी उन्होंने, जो संवाद उनका हुआ अपने चेले धर्मदास के साथ, उसमें उन्होंने बताया कि मैं चार जन्म में, मैं सतयुग में भी था, मैं त्रेता में भी था, मैं द्वापर में भी था, और मैं कलयुग में अब आया हूँ। सिर्फ अंतिम बात कहने के लिए आया हूँ कि जो हमने कर्म किए हैं जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएंगे हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। परमदयाल जी महाराज के पास दाता दयाल जी महाराज गिदड़बाहा में गए आखिरी समय में 1938 में, जब मेरे सदगुरु वहाँ पोस्ट वहाँ सर्विस कर रहे थे, तो परमदयाल जी महाराज ने, उनका अपने में बहुत प्रेम था, खुली बात करते थे, तो प्रेम से बैठे हैं, तो परमदयाल जी महाराज ने दाता दयाल को कहा, दाता
मुझे अब लगता है कि अब अपना चोला त्याग देंगे। परम दयाल जी महाराज ने अपने गुरु जी महाराज को कहा, तो दाता दयाल ने कहा, हाँ फकीर आपने ठीक कहा है, मैंने अपने सारे कर्म भूल लिए हैं, अब मेरा कोई कर्म वापस नहीं बाकी नहीं रहा, अब मैं चोला त्याग दूंगा, मगर तेरा कर्म अभी रहता है, तू भी पूरे कर ले और अपनी गोद में चला जा वापस। मेरी बात समझ गए? तो जब तक हमारा ये जो सिलसिला हमारे कर्मों का है ना, अगर कोई कर्म रह गया, बात को गौर से सुनना, अगर कोई कर्म हम अपने जीवन में कर रहे हैं लेकिन वो रह गया और तुम्हारे मन में वो मरते समय रह गया कि हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने ये नहीं किया, मैंने पुत्र की शादी नहीं की, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म दोबारा होगा होगा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मन नहीं मरा, शरीर मर गया, मन नहीं मरा। तो मन जब तक नहीं मरेगा, इसलिए संतों का जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ। क्या मतलब? जहर नहीं खाना, मन को मारना है, मन की दौड़ को मारना। और कैसे? अरे मन धीरज धर ले, तू जो तेरे कर्म में लिखा है, जो तूने करना है वो भी तू करेगा, और जो तूने किया हुआ है उसका भी भोग तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, ये कबीर साहब का फैसला है। आगे पढ़ो। हो नहारे हो उन्होंने बता दिया कि जो होना है वो हो के ही रहेगा, तू किस लिए चिंता करता है। मगर हम अपने आप को तुम खुद देख लो, हमारा क्या हाल है, कोई काम नहीं हुआ तो हाय हाय, जे हो गया घाटा पड़ गया तो हाय हाय, जे कोई ले गया तो भी हाय हाय, हमें चैन है? हमें विश्वास ही नहीं है। हमें विश्वास किस पर है? अपने मन पर, और वो भी तब तक जब तक काम ठीक हो रहा है, और जब काम बिगड़ गया, पहले भगवान को मानते हैं, बड़ा कहते हैं भगवान ही सब कुछ करता है, मेरा वो कर दिया, जब कोई काम बिगड़ गया और रब भी नहीं हैगा, बस फिर वो भी उसको भी भूल जाते हैं, कहते ले मेरा ये तो काम होया ही नहीं, मैं कारी पूजा करा, मेरा ये काम तो होया ही नहीं, मैं कानू जाना। मेरी बात समझ गए सिंह साहब? हम लोग मतलबी हैं, हम भगवान को भी अपने काम के लिए तोलते हैं, अगर वो काम करता है गुरु, गुरु का कहा हुआ काम हो गया तो गुरु दी बल्ले बल्ले, जे काम नहीं होया की जाना मानवता मंदिर, बाबा तो हुक्का पींदा रहिंदा। मैं देखा ऐसे लोगों को, मैं देखी हुई बात करता हूँ। तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि जो हुआ सो भला, जो हुआ सो भला, अगर ऐसा विश्वास हो जाएगा तो तुम तर जाओगे, नफे की खुशी नहीं और नुकसान का गम नहीं, जो हो रहा है उसकी मौज से हो रहा है, तुम उसके हो जाओ वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम अपने मन के होके रहोगे तो फिर तुम कभी सुख प्राप्त कर नहीं सकते। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। हो नहारे होए पुनि सोई, चिंता काहे करे, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करे, अरे मन धीरज काहे न करे। अब कबीर साहब ने एक और फैसला कर दिया कि तुम विश्वास तो करो, पशु पक्षी जीव जंतु क्या कोई भूखा मरता देखा? कोई नहीं। कबीर साहब कहते हैं वो तो उनकी भी चिंता करता है,
उनका भोजन भी उनके सामने रखा हुआ है, उनको सबको वो दे रहा है, सबकी खबर वो ले रहा है। और हम इंसान, हमें इसका कोई विश्वास ही नहीं आता। और गुरु नानक साहब जी महाराज की मुझे कहानी याद आ गई, बुजुर्गों के मुखारबिन से सुनी हुई है। गुरु नानक साहब का एक भजन है, नथ खसम हथ रिजिक तके दे, जहाँ दाना तहाँ खाना नानका सच ए। ये मैं बुजुर्गों को सुना, मैंने पढ़ा नहीं। तो किसी ने पूछा कि महाराज इसका मतलब तो समझा दो बुजुर्ग से। कहते कहानी है ये, साखी है, साखी गुरु नानक साहब की साखियाँ हैं। उस साखी में लिखा है कि गुरु नानक साहब बाला मर्दाना, आज से 600 साल 650 साल पहले की बात है, वो पैदल जा रहे थे। तब ये सड़कें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी, कोई कारें नहीं थी, पगडंडियाँ होती थी। और बैलगाड़ियाँ तो और उसके भी बाद में आई, बैलगाड़ियाँ जो बनी ये तो बहुत बाद में आई, अब वो ख़त्म हो गई। तो आगे जा रहे हैं पगडंडी से, तो सरदार साहब, मक्की का समय था, तो सरदार साहब के साथ दो साथी वो अपने खेत से मक्की की भुट्टा छली खोलते हैं और आग जलाई हुई है और छलियाँ पुन पुन के खा रहे हैं। जब गुरुजी वहाँ नज़दीक पहुँचे तो उस वक्त बड़ी श्रद्धा होती थी संतों के प्रति, आज भी है, लेकिन तब श्रद्धा और तरह की थी, आज श्रद्धा और तरह की है। तो जो मालिक था उसने एकदम अपना परना उतारा और बिछा दिया, महाराज जी बाबा जी जहाँ बैठो छली खाओ, बड़ी मीठी है। गुरु साहब ने कहा, भक्ता हमने दूर जाना है, पेंडा दूर है, आप हमें 3 छलियाँ दे दो, हम खाते जाएंगे और आपके गुण गाते जाएंगे, ऐसा कहा है। तो उनको तीनों को, गुरु नानक जी को, बालाजी को, मर्दाना जी को, छलियाँ दे दी और वो खा रहे और चल रहे पगडंडी से चल रहे। तो बालाजी दरमियान में है, मर्दाना आगे, गुरु साहब पीछे, कभी कभी गुरु जी आगे, ऐसा चलता है ना। तो बालाजी ने छली को दाने निकाले और हाथ पर रख के ऐसे खाने लगा, तो गुरु महाराज का भला रुक ठहर। फिर महाराज क्या बात, कहते ये दाना तू नहीं खा सकता, ये दाना तू नहीं खा सकता। महाराज जी क्या बात करते हो, कभी कभी आप भोली बात कर देते हैं, ये मेरे हाथ पर है, मैं खा लेना, अभी आपके सामने खा लेना, कति अच्छा हो सकता है, ऐसा ही होगा, पर मुझे नजर आता है कि ये तू नहीं खा सकता। कहते तो महाराज जी ये किसने खाना, कहते जहाँ 2 किलो दो को के ऊपर को होते थे तब, 2 को पर एक मुर्गा चुग रहा है, ये दाना वहाँ पहुँचना है, उसने खाना। लोग कहते देख लेने बाबा जी कितना खाना मुर्गा, और फक्का मार लिया, दाना फक्का मार लिया, विश्वास नहीं आया गुरु की बात। चल रहे हैं, छलियाँ ख़त्म हो गई, अपनी बातें चल रही हैं, चले गए, 2 को आ गया, उत्थे मुर्गे गाँव में सब लोग रखते थे, तो मुर्गे चुग रहे हैं, बालाजी भुल गए इस गल, 2 को चलते चलते भुल जाता ना बंदा, ऐसी कड़ी गल की। तो मुर्गा चुगदा चुगदा इतना घूमता घूमता आ गया, जब बालाजी भी उस पगडंडी के कोल पहुँचे तो बालाजी ने बहुत बड़ी छिक आई, छिक आई, और छिक एनू मूँह नहीं किया, इधर मूँह किया जिधर मुर्गे चुगते, वो दाना नाक में चढ़ गया था और छिक मारी दाना गिर गया, वो गिरा और मुर्गे ने खा कर खा लिया। और फिर गुरु जी के चरणों में वो पड़ गया कि महाराज जी वाकई गल ठीक है, अब इन बातों से क्या समझा जाए, इस बात से सुनो समझो। जब आदमी का आखिरी समय आ जाता है उसकी रोटी छूट जाती है, वो रोटी नहीं खा सकता। देखा मैंने 3 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले बंदा का बस मैनू नहीं कुछ भी चंगा लगता, पानी भी नहीं, बस मैं नहीं, बस रहने दो, मैं नहीं खाना, नहीं खाता ना, क्यों, क्योंकि उसका अंजल खत्म हो गया है। मानो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो कह रहा हूँ
बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुदरत ने जो कुछ भी पैदा किया वो खाओ, लेकिन हमने जानवरों से भी हम आगे निकल गए हैं, हम जानवरों का भी खाना खा रहे हैं, पशुओं का खाना भी खा रहे हैं, पक्षियों का खाना भी खा रहे हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? विचार करो, सोचो इस बात को। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, अगली लाइन पढ़ो। वो कहते, ए इंसान तू भूल गया। क्या भूला? तू उसको भूल गया। किसको? जिसके घर से तू आया है। ये तो नहीं, दाता दयाल जी महाराज ने लिखा, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज को लिखा, ये तो नहीं देश तेरा देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने उसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चताया, संत मत धार ही तज मो माया। ये हुक्म दिया, मो माया क्या है? जो तुम्हारे मन से ख्याल उत्पन्न होते हैं उन पर अपनी नजर रखो। बस जिसने अपने मन के ऊपर नजर रखी उसने उसको पा लिया, जिसने मन पर अपना काबू नहीं किया। इसलिए क्या नाम है, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने, सुखमणि साहब ने बड़ा प्यार से लिखा, क्या लिखा, एक लाइन, मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कारज रास। ले गल ही खत्म कर देते। हम कह देते हैं बाबा जी थोड़ी शरण चाहे, शरण में तो जो वो जाएगा ना, जिसने मन को दे दिया वो शरण में जाएगा, जो अपने मन के पीछे लगा हुआ है वो शरण में नहीं जा सकता। क्या कहा मैंने? इसलिए गुरु वाणी, जो गुरु है वो वाणी है, इंसान गुरु नहीं है। गलत है जो लोग गुरु को पकड़कर, शरीर को पकड़कर बैठ गए, वो नहीं है गुरु। गुरु वाणी है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे, सारे अमृत, बड़े से बड़ा अमृत जो है वो गुरुवाणी में है, गुरु के वचन में है। इसलिए कबीर साहब आज आपको बता रहे हैं, अरे मन तो क्यों नहीं दर्ज धरता? किस लिए? जब जीव जंतुओं का वो ख्याल करता है तो क्या तेरा ख्याल नहीं है? तेरा भी ख्याल है, लेकिन तू तो मन के पीछे लग गया। तुम्हें दाल रोटी तो अच्छी नहीं लगती, सब्जी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जल तुम्हें नलके का पानी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तो बोतलों का पानी स्वाद लगता है। तो बता तू क्या कर रहा है, तू क्यों भूल गया उसको? क्या कहते हैं, पढ़ो। गर्भवासों में खबर ले तू है, गर्भवासों में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे, अरे मन आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, कुछ बात कहने जा रहा हूँ। हम सब माँ के पेट से आए हैं और हम माँ के पेट में पानी की थैली में उल्टे लटके हुए थे, उल्टे थे ना, उल्टे लटके हुए थे, और उस 9 महीने में हमारा शरीर बना और माँ के गर्भ में हमें खाने को भी मिलता रहा, हमें पीने को भी मिलता रहा, हमें सांस भी आता रहा और हम लत्तागे भी मारते रहे माँ के पेट में। बात को मेरी को पकड़ते रहना, मैं कुछ कह रहा हूँ। हमारा मुंह बंद था, हमारा नाक भी बंद था, लेकिन फिर भी हमें सांस आ रहा था। हमारा मुंह बंद था, पानी में था, और पानी भी ऐसा बिल्कुल किसको कहते हैं, जैसे बहुत तिलकन वाला, हद से नहीं आना, ऐसे पानी में थे। फिर भी कुदरत ने माँ के शरीर के साथ हमारी नाभि से एक नार जोड़ी हुई थी, और उस नार के जरिए से जो माँ खाती थी वो मुझे मिलता था, जो माँ पीती थी वो मुझे मिलता था, जो माँ देखती थी मैं भी अंदर देखता था,
जो माँ बोलती थी वो भी मैं सुनता था, जो उनके साथ बात करता था वो भी मैं सुनता था। मिसाल है इसकी, इसकी मिसाल मिलेगी आपको, शास्त्र पढ़ के देखो। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सब कुछ सीखा कि नहीं सीखा? युद्ध लड़ना सीखा, माँ के गर्भ से सीखा। तो जब हम उस माँ के गर्भ से बाहर आए तो पहले तो सफाई की गई, नाक साफ किया गया, मेरी बात समझ गए? तो सांस बाहर का आया, लेकिन सबसे पहले क्या किया हमें, सीधे से उल्टे से सीधा किया, एकदम करते नहीं सीधा, फिर साफ करते हैं, एकदम सीधा किया। तो बच्चा रोने लग गया, रोता है ना बच्चा, अगर ना रोए तो डॉक्टर ने भी चिंता थे, माँ ने भी चिंता थे, घर वाले ने भी चिंता था, बच्चा तो रोया ही नहीं, तो उसको मरिया समझते हैं कि ये मर गया। मैंने डॉक्टर को देखा था, थपथपाते हैं कि ये रोए, जिसको सांस आए नहीं आता, क्योंकि वो ताकत यहाँ से यहाँ नहीं आई। वो झटका जब मारते हैं तो हम 9 महीने उल्टे थे लटके हुए, तो हमारी वो हस्ती मालिक की, वो अंश मालिक की जिसको सुर्त कहते हैं, वो यहाँ थी, और जब झटका मारा तो वो यहाँ आ गई। बात समझे? तो जब वहाँ से झटका लगा यहाँ आई तो बच्चा घबरा गया और रोया, हो क्या हो गया मुझे, और उसको दुख नहीं कोई भी होता। बात समझे आप? तो वो रोया, और फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसका नाड़ एकदम काट देते हैं, सप्लाई बंद हो गई, नाक से सांस आ गया, बच्चे ने रो दिया, अब उसको क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए। तो फिर क्या होता है, माँ के स्तनों में दूध आ जाता है कि नहीं आता? आता है ना। तो कुदरत ने कितना बड़ा काम किया, एक सप्लाई बंद हुई, दूसरी सप्लाई माँ के स्तनों से शुरू हो गई। अब आप मुझे सवाल करो, क्या मुझे उस हस्ती पर विश्वास नहीं आना चाहिए? क्या मुझे उस ताकत पर जो नजर नहीं आती फिर भी है, सारा काम मेरा उसने किया, मेरे पैदा होते ही मेरे लिए दूध दे दिया, जब मैं माँ के गर्भ में था मुझे उसने देखभाल मेरी की, तो क्या अब मुझे विश्वास नहीं आना चाहिए? ओ पढ़ुआ, अगर तेरा वहाँ इंतजाम किया हुआ था तो इस संसार में भी तेरे इंतजाम है, वो ही करेगा। और मुझे ये विश्वास पूर्ण हो गया जब मैंने यहाँ कुछ किया ही नहीं, जो हो रहा है उसकी मौज से हो रहा है। क्या कहा मैंने, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो, मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ। हम केवल उसको भूल गए जिसने हमारा माँ की गर्भ में भी देखभाल की, जिसने हमारे पैदा होते ही हमारे दूध का इंतजाम किया, और जब दांत नहीं थे तो दूध मिला, और जब दांत आ गए तो दूध माँ का सूख गया। अब रोटी खा बच्चा, मैं नहीं हूं तो दूध देना, माँ का दूध भी सूख जाता है, सूखता नहीं है, सूख जाता है, दांत आ गए तो अब रोटी खा बच्चा, जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत आए तो रोटी भी देता है। मगर हम अपने मन के मारे हुए जे भी मिल जाए इसमें पड़े हुए हैं। अरे नथ खसम हाथ दे के देखो, थोड़ा इंतजाम अपने आप हो जाएगा। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाल क्यों मिसर गए? क्यों मिसर गए हम लोग? क्योंकि हम मन के, तब हमारा मन नहीं था, माँ की गोद में हमारा मन नहीं था, तो माँ ने बताया क्या, ये तेरा पिताजी है, ये तेरा भाई है, तेरी बहन, माँ ने दसिया ना, बच्चे तो कोई पता नहीं। फिर माँ ने उंगली फड़ के गुरुद्वारे ले गई कि इतने असी जाना बेटा, और जो हिंदू किसी होर धर्म पैदा हो मंदिर जाएगा, हनुमान जाएगा, माँ के मंदिर, माता के मंदिर जाएगा कि नहीं, वो ही बन जाएगा। क्या कहा मैंने,
वो था नहीं, वो मानता नहीं था किसी को, वो तो बिल्कुल निर्लेप था, निर्मल था, लेकिन हमने उसके सारे का सारा मन की सफाई को गंदगी में डाल दिया। तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू ये है, ना जाने कितने बंदरों में हम बंध गए और उन बंदरों ने हमें उस मालिक से दूर कर दिया। कबीर साहब समझाने आए कि तू क्यों भूल गया उसको, उस मालिक को क्यों भूल गया, तैने वापस तो उसी के पास जाना है, तू कैसे जाएगा, तू कैसे जाएगा, तभी जाएगा जब वैसा बनेगा जो बचपन में था, उससे पहले नहीं जा सकता। आगे चलो। मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मातु पिता सुत संपत्ति दारा, मोह के द्वारा जरे, मोह के द्वारा जरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। अब उन्होंने हमारे संसार की बात कह दी, क्या है, मोह है और कुछ नहीं, मोह की मेरा, माता पिता रिश्तेदार भाई बहने सब मोह है, लेकिन ये मोह कब तक होता है ये भी देख लो, मैं तो देखता हूँ, धन है तुम्हारे पास, पैसा है तुम्हारे पास, इज्जत है, तो सभी तुम्हें कहेंगे चाचा जी चाचा जी, ताया जी, मामा जी, बड़े प्रेम नाल बोल देना, तो जे तुहाडे कोल कुछ भी नहीं है, और मामू है एवं फिरदा, चाचू है एवं फिरदा, है कुछ है कोल भी नहीं, काहे का मोह है, मोह चीज का है, तुम्हारी हालत का मोह है, तुम्हारे से किसी को मोह नहीं है। क्या कहा मैंने, उस बात को समझो, मैं क्या समझा, मैं क्या समझा, मैं ये समझा कि मैंने इनका कुछ देना है, मैं देने आया हूँ, जिससे लेना है उससे लेने आया हूँ, बस जब वो खत्म हो गया, मैं कौन थे तू कौन, क्या कहा सरदार साहब मैंने, ये सब लेने देने के संबंध है, कोई बाप बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, कोई बेटी बन के आ गई, कोई पत्नी बन के आ गया, किसी ने सुख दे दिया, सुख देगा जिसने देना है, जिसने दुख देना उसने दुख देना है, तुम बच नहीं सकते, लड़का हो चाहे लड़की हो, बाप हो चाहे ताया हो चाहे चाचा हो, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हमारे अपने ही पूर्वले जन्मों के मुताबिक हो रहा है और कुछ भी नहीं है। जब आप इस बात पर चिंतन करोगे तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान अंदर से ही मिल जाएगा कि जो संतों ने कहा ये अटल सत्य है, मैंने देना है खुशी से दे दो, मैंने लेना है जिससे वो दे देगा, चाहे मांगो चाहे नहीं मांगो, जिसने नहीं देना वो तो अपने गला फट के ले भी जाएगा और जिन्हें तुझे मंगोगे डंडा दिखा दूंगा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देना, कि नहीं ऐसी बात है ना, वो नहीं देगा आपको, क्योंकि तुमने उनका देना है खुशी से दे दो, जो ले देता है ले लो, नहीं देता तो भूल जाओ, बात खत्म हो गई, शांत हो जाओगे। क्या कहा मैंने, मैं आपको अपनी एक बात सुना दूं, अपनी बात सुना दूं, दुनिया की क्या कर, मेरे घर में एक लड़की पैदा हुई पहली, बहुत सुंदर, 1963 की बात सुनाता हूँ, तब मेरे घर मैं अपनी पत्नी को घर लाया, तो इसी मंदिर में यहाँ महाराज जी बैठे, तो मैं उस बच्ची को अभी कुछ दिनों की थी लेके आया था, बड़ी गोरा रंग नीली आंखें बहुत सुंदर लड़की थी, तो महाराज जी ने देखा तो गोद में रखा उनके, तो महाराज ने देखा उसका नाम रखा निर्मल, हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, चलो बात आई चले गए घर गए, मैं उस वक्त पटियाला में था, तो उसके बाद मेरे पिताजी मिले, पिताजी कहते ले बेटा पहली लड़की आ गई, है ना, पिताजी ने कहा, मैं चलो, पिताजी ने जो कहा ठीक कहा, मैं जब आया माँ को मत्था टेकया तो माँ ने भी यही कहा, ले काका पहले ही कुड़ी आ गई, वाह रे वाह, चलो वो भी कर लो, भैन आईया मेरिया,
ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ। ਲੈ ਬਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸਕੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੁਆ। ਤੁਮਹਾਰਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕਰ ਆਏ। ਤੁਮਹਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਕਿਆ ਕਰਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਕੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਗਾ ਉਹ ਮੋਗਾ ਸੋਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਅਬ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੋ ਦਿਲ ਭਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕਰ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਮੇ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੇ ਵਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇ, ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਕੇ ਰੂਮ ਮੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੇਟੇ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਮੇ ਜਾ ਕਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਕਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਅਬ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ। ਵੋ ਬੇਟੀ 1973 ਮੇ ਲੜਕੇ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਵਹੀ ਰੰਗ, ਵਹੀ ਆਂਖੇ, ਵਹੀ ਪੜਾ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੇ ਥਾ, ਤੋ ਸੁਬਹ ਹੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਫੂਲ ਲੈ ਆਊਂ, ਕਾਲਜ ਸੇ ਫੂਲ ਲੈ ਆਊਂ। ਤੋ ਫੂਲ ਲੈਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਫੂਲ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ ਤੋ ਬੱਚੇ ਕੋ ਅਭੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੋ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਬ ਮੈਨੇ ਫੂਲ ਉਸਕੋ ਐਸੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੋ ਉਹ ਹੰਸਾ, ਬੱਚਾ ਹੰਸਾ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਮੁਝੇ ਦੇਖ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਓ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਮੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਲੈਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕੀਆ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਔਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਜਬ ਵੋ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ, ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਦੇਣਾ ਥਾ, ਬੋਲੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਝੇ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕਾ ਮੋਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਕਰੂੰ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਔਰ ਵਾਈਫ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਸੁਰ ਸਾਥ ਥਾ, ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹਮ ਬੈਠੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਨਕੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹ ਮੁੰਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੁੰਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਾਂਵ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਥੇ, ਹਮ ਤੋ ਗਾਂਵ ਮੇ ਰਹਿਤੇ, ਵਹਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਘਰ ਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਣਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸਾਥ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਇਸਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਔਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਔਰ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੀ ਵਕਤ ਜਾਂਚ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਵਹੀ 2017 ਮੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕਰ ਜਬ ਇਤਵਾਰ ਕੋ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਤੀ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਦਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਤ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ? ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਨੇ, ਕਿਆ ਹੈ ਯੇ ਲੈਣਾ ਔਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ।
और यहाँ कबीर साहब ने क्या कहा, ना लेना ना देना मगन रहना, क्योंकि वो कब हो गए, फ्री हो गए, लेना देना मुक गया। जब तक सांस है देना है दो, देना है तो दे दो, लेना बिशक ना लो, कोई गल नहीं। मेरी गल क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो यही लाइन में तो बहुत आगे निकल गया। अरे क्या कहूँ मैं आपको, तुम हाय हाय करते हो, किस लिए हाय हाय करते हो, जिसने लेना है वो गुथा जाल कर ले लेगा, फिर जो मर्जी करो वो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखेगा। क्या कहा मैंने, पढ़ो आगे। मन तो हंसन से साहिब के, मन तो हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। अब क्या कहते कबीर साहब, ओ मन मेरा तू किथे भूल गया, तू ते हंस था मालिक दा, तू इथे पत्थर चुकदा फिरदा। मन तू हंसन थे साहब के काहे भटकत फिरे। कबीर साहब ने एक और शब्द में लिखा है, जो बिछड़े हैं प्यारे से वो भटकते दर बदर फिरते। कबीर साहब, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम भी, हम उनको इंतजार ही क्या। वो इंतजार करेगा, वो कोई प्लानिंग करेगा। कबीर साहब कहते हैं मेरे अंदर, वो तो मेरा यार तो मेरे अंदर है, वो नहीं तड़पता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, ऐ इंसान तू अपने आप को भूल गया। किस में, धर्मों में, जातियों में, धन में, दौलत में, देशों में, प्रदेशों में, तेरा तो टुकड़े टुकड़े हो गया, तू इंसान तो रहा ही नहीं। इस दुख को देखकर मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने इंसानियत का झंडा लहराया है। ऐ इंसान तू क्या बन, ना हिंदू ना सिख ना मुसलमान बन, इंसान बन, इंसान बन, इंसान बन, पहले इंसान बन, फिर तुम्हें भगवान मिल जाएगा। आगे। मन तो हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे, सतगुरु छोड़ और को धावे, सतगुरु छोड़ और को धावे, कागज इतना सारे। तू क्यों दुखी होता है, क्योंकि तू सतगुरु को छोड़ दिया। सतगुरु कौन है, सतगुरु का वचन। सतगुरु इंसान नहीं है, सतगुरु का वचन है। वो जो सतगुरु का वचन है वो तुम्हें कहाँ पहुंचाएगा, अंदर। तुम्हारे अंदर क्या है, अंदर आपके तीन चीजें हैं, आपके अंदर प्रकाश है, अनहद शब्द है, और उनका देखने वाली और उस शब्द को सुनने वाले तुम हो, वो है सतगुरु। वो कहाँ है, वो मंदिर में नहीं है, वो किसी धार्मिक स्थान में नहीं, वहाँ तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा विश्वास है वहाँ, लेकिन वो असल में तुम्हारे अपने अंदर है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तू सतगुरु को भूलकर धक्के खा रहा है, इधर उधर भटक रहा है, क्या फायदा उसका आपको होगा। फिर पढ़ो यही लाइन, सतगुरु छोड़े और को धावे, कारज इतना सरे, अरे मन धीरज काहे न धरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याज हरे। साधुन सेवा, साधुन सेवा का मतलब किया उन्हें रोटियां खानी है, कपड़े देने, साधुन सेवा मीन साधु की संगत। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया है साधु की सेवा क्या है, संत की सेवा क्या है, गुरु की सेवा क्या है, दर्शन करे, वचन पुण सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर ले तिस्सा, कर सा तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गवाई, सत्संग में जाओ, गुरु की वाणी सुनो,
महापुरुष की वाणी सुनो, उस पर चिंतन करो और चिंतन करके उस पर चलो, तुम्हारी गुरु की सेवा कर ले। बाकी जो सेवा है वो निखिद है, पे भांडे मांजो, साफ करो, ये करो वो करो, वो तो बहुत लो लेवल की सेवा, वो भी जरूरी है, क्योंकि जिनका मन बहुत गंदा है जाओ उनको ऐसे काम दिए जाते हैं कि चलो ये काम करो वो करो वो करो वो करो, लेकिन लोगों का वो भी नहीं ठीक होता। मैं आपको क्या बताऊँ, सेवा करने वाले भी आपस में लड़ते हैं, क्या कहूँ मैं आपको। तो सेवा क्या है, गुरु की बात पर चलना, गुरुवाणी को अपने हृदय में पहुँचाना, अंदर है अंदर है अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास में। और मैंने सुबह आपको बताया, गुरु नानक साहब की वाणी के बता दिया, वो तुम्हारे अंदर है बाहर है नहीं। आगे साधु सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि काते कबीर सुनो भाई साधो, काते कबीर सुनो भाई साधो, सहजन जी उतर साजन जी उतर। एक तो धैर्य रखो, विश्वास, तुम्हारा अधिकार तुम्हें मिलेगा। ये लिखा ललाट तरे नहीं डारा, भावी को मेटन हारा, कोई नहीं मिटा सकता। तुम्हारा भाग जो है, तुम्हारा हिस्सा जो है, कोई नहीं ले सकता, वो तुम्हें ही मिलेगा। एक बात दूसरी कहा, अगर तुम्हें ये विश्वास हो गया कि वो है मालिक है, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, बल्कि जो कुछ है उसी का है। कबीर साहब ने क्यों कहा, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जो श्री, जो कुछ किया सोहर किया भय कबीर कबीर, कुछ नहीं किया। मैं अपना जीवन देखता हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं कुछ नहीं किया। मैं अपना इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मैंने कुछ भी जिंदगी में नहीं किया। मैंने किसी एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे नौकरी मिल जाए, करने वाले ने सब कुछ अपने आप कर दिया, अपने आप कर दिया, अपने आप कर दिया। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो कबीर साहब ने कहा, ऐ मन तू सहज से ही पार हो जाएगा। कैसे, तू विश्वास कर ले कि तेरा कोई है, तुम्हें हर चीज़ देने वाला वो है, तुम्हें तेरे सुख का इंतज़ाम उसके पास है, तेरे हर सुविधा का इंतज़ाम उसके पास है, पर तू उसका बच्चा बनता ही नहीं है, तू तो धर्मों में फंस गया, जातियों में फंस गया। और कबीर साहब ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए, वो बंदा बन के बैठ जा बस, तब काम होगा, सब कुछ हो जाएगा। बंदापन कर बंदगी, तीनों बंद लगाए, घटमा ही है माल खजाना, जो खोजे सो पाए, माल खजाना थोड़े अंदर है। तो आज मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया थोड़े में, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाबा जी कहा करते थे, हवा खाओ, लेकिन है जो कुछ वो तुम्हारे अपने अंदर है। मेरी शुभकामना, जिस भी ख्याल से तुम लोग आए हो, मालिक आपकी मनोकामना पूरी करे, तुम सुखी रहो, लेकिन सुखी तभी होगे जब तुम्हें उस पर विश्वास हो जाएगा। जब तक मन में रहोगे सुख मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। मन में सुख नहीं है, तन में सुख नहीं है, आत्मा में भी तब्दीली है, अपने आप में ठहरने में सुख है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।